हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो हम लोग निकल गए हैं शाम को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे 4 बजे के आसपास। अभी टाइम जो है वो नियर अबाउट आई थिंक 5:15 है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये सब जाने के लिए आपको इस व्लॉग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और आज मैंने वेयर किया है साड़ी और इसका जो कंप्लीट लुक है वो मैंने ऑलरेडी एक रील डाल दी अपने चैनल पे, इंस्टा पे भी डालने वाली हूँ, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो देखते हैं हस्बैंड कहाँ लेके जा रहे हैं आज डिनर के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सो गई क्या? बस आने वाला है। कहाँ जा रहे हैं भगत? तुम आज कहाँ लेके जा रहे हो? रामफोर्ट। कब से इनको कह रही हूँ रामफोर्ट जाने के लिए। रामगढ़ फोर्ट ओके, जो पंचकुला वाला। यस। और कितने देर में, कितने टाइम और लगेगा? 50 मिनट्स अभी दिखा रहा है ना, 1 घंटा लगा लो। और आज तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा था। कब ऑर्डर किया था? सुबह परसों लड़ाई के बाद। आज नहीं ऑर्डर किया था, पहले का था। देख के मैं इतनी ज्यादा मतलब हैप्पी हो गई थी। सो मत बेटा, आने वाला है। कुकू हाय बोलो सबको। हाय 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 कतु। तो हम जा रहे हैं रामगढ़ फोर्ट पंचकुला में, जो हमारे घर से 1.25 घंटे का मतलब आसपास रास्ता है। और अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी है और थोड़ा लेट भी है। एक्चुअली मैंने ना बहुत टाइम पहले रामगढ़ फोर्ट की कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो मुझे अच्छा लग रहा। तब से मैंने कह रही हूँ कि चलो लंच डिनर पे चलते हैं, पर ये कहते नहीं आए हुए हैं, मैं नहीं जा रहा। तो आज फाइनली इनको हो गया कि चलिए, काफ़ी टाइम से रामगढ़ फोर्ट कह रही थी तो इन्होंने प्लान कर लिया। और मुझे दोपहर को बताया था 11:15 बजे कि 3 बजे रेडी हो जाइए, तो हम चलेंगे। और रात के डिनर रिजर्वेशन भी वहाँ पर करा ली है। पर 3 बजे ये 4 बजे आए और मैं 5 बजे तक रेडी। एक्चुअली जो साड़ी जो आज मैंने वेयर की है, फ्रेश वाली साड़ी है। मतलब मैंने काफ़ी ट्राई किया पर ये अच्छे से ना सेट नहीं हो पा रही थी, तो बस इसको टाइम लग गया। और भी वो रेडी, बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होना और मेकअप एंड ऑल दैट, तो काफ़ी टाइम लग गया और मैं हो गई लेट। तो अच्छा, मतलब चल ठीक है ना, कम भीड़ हो तो मान ली बैठी है। तो पहले हमारा प्लान था कि जब वो ऑफिस से आ जाएंगे मैं केक कट करूँगी, उसके बाद हम जाएंगे। और ऑलरेडी इतना लेट हो गया था ना साड़ी के चक्कर में, मुझे था कि यार साड़ी पहन लेती थोड़ा डिफरेंट लुक हो जाता है। मतलब ड्रेसेस सूट वगैरह तो हम पहनते हैं रेगुलर, तो इस चक्कर में बस बहुत लेट हो गई थी। 5 बज गई थी तो हमने केक कट नहीं किया, तो क्या इतना लेट कर लिया। दूर भी जाना है, वापसी भी है, आना भी है, तो बस फिर केक का हमारा भी ये प्लान बना है कि हम रात को जब वापस आएंगे तो केक फ्रिज में पड़ा है, फिर हम केक आराम से कट कर लेंगे। तो अब मैं वहाँ जाते हैं और देखते हैं, वहाँ भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, होप सो कि सब अच्छा हो, कैसा हो। तो वहाँ का जैसे भी होगा मैं आपके साथ करूँगी शेयर। तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, अभी बहुत टाइम है वहाँ पहुँचने में। अभी दिखा रहा है 6:35 कि हम वहाँ पहुँचेंगे और 5:54 अभी हुआ है टाइम, तो देखते हैं कितनी देर और लगती है। फोन पे दिखा दिया था आपको, मगर सर इस पे चेक कर दो। आज तो नहीं देख पाऊंगा, अभी तो मैं निकल गया कहीं जाने के लिए। कोई बात नहीं, डन हो गया, कल डन हो गया। तो हम मॉर्निंग हिल्स पहुंच गए हैं, बस नेक्स्ट आगे पंचकुला है। फाइनली पहुंच गए हम रामगढ़ फोर्ट। गाइस ये था मेरा छोटू सा व्लॉग, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अंदर का पूरा रामगढ़ फोर्ट और बर्थडे का हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं सब दिखाने वाली हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है एक नए व्लॉग में आपके साथ। थैंक यू।